राजा ध्रुव चरित्र की कथा कही। आगे इन्हीं के वंश में राजा आग्निद्र फिर वेन हुए और वेन दुराचारी पापाचारी संतों के फटकार मात्र से जिसके प्राण गए हैं। बाद में वेन के शरीर का मंथन किया गया। इन्हीं से महाराज प्रथु और महारानी अर्च का आगमन हुआ। प्रथु जी ही आए हैं जिन्होंने पृथ्वी को समतल बनाया है, जो पृथ्वी समस्त सामग्रियों को अपने अंदर समाहित कर रही थी, क्योंकि लोग पृथ्वी से ले तो ले, ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं ये क्यों होते हैं? पृथ्वी का भाव उसे देने के लिए। हम ले तो लेते हैं लेकिन देते नहीं हैं, तो पृथ्वी को छीनना पड़ता है। तो महाराज प्रथु आते हैं और पृथ्वी गौ के रूप में आती है तो उनका दोहन करते हैं, समस्त पात्रों को निकालते हैं और बाद में 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किए। 99 पूरे हो गए तो इंद्र घबराया, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। अब इंद्र को लगा देखो कुर्सी का चक्कर बड़ा खराब है, पूर्व काल से है, आज भी है और हमेशा रहेगा। भगवान से मनाया, प्रभु मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। भगवान प्रथु के पास आए, बोले क्यों आप कर रहे हो इतना यज्ञ, 99 हो गए ना, अब यही रोक दो। इंद्रपद चाहते हो? बोले बिल्कुल नहीं। तो चाहते क्या हो? प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे पास में 10,000 कान हो जाएं। अब सोचो जरा, साधारणतया कोई सुनेगा तो यही कहेगा ना, बाबलों की तरह वर मांगा। लेकिन प्रथु कोई साधारण नहीं है, भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। मुझे 10,000 कान दे दो, किस लिए? दो कानों से अभी अगर आपकी कथा सुनते सुनते थक जाऊं, कभी ये दो कान कह दे कि हम तृप्त हो गए, लेकिन 10,000 होंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे कि हम तृप्त हो गए, निरंतर आपकी कथा सुनते रहे। भगवान ने कहा देखो 10,000 कान दूंगा तो देखने में भी बड़ा अजीब लगेगा, हाँ आपके इन्हीं दो कानों को, इन्हीं दो श्रवणों को 10,000 श्रवणों की सुनने की सामर्थ्य दे देता हूं। इतने महान भगवत भक्त हुए हैं ये। अब इन्हीं के वंश में आगे चलकर के हविर्धान प्राचीन वहिर इत्यादि राजा हुए। प्राचीन वहिर यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने की पद्धति उचित नहीं थी, क्योंकि यज्ञ में निरपराधी जीवों की बलि दे रहे हैं। आज भी समाज में बहुत से लोग हैं जो बलि प्रथा को आगे रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी सनातन धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता है। अभी एक जगह बहुत पहले कथा हुई थी, बोले हमारे यहाँ का नियम है। हमने कहा यह नियम किसने बनाया? मार्ग सुई जाकू जई भावा, पंडित सुई जो गाल बजावा। जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है सब चल रहे हैं, सब अपने आप में सिद्ध है महाराज। और पंडित वही है, विद्वान वही है जो बड़ी बड़ी जजमान जी की बड़ाई कर दे। जजमान जी की एक कमी बताएंगे तो दक्षिणा में कमी हो जाएगी। तो पंडित वही नहीं, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, तो राज धर्म तन तीन करो होई वे गई नाश। सचिव वैद्य को और गुरु को संत को ज्यादा मीठा बोलना नहीं चाहिए। जब धर्म की रक्षा की बात आए तो कठोरता भी धारण करनी चाहिए। नारद गए हैं और प्राचीन वहिर को समझाए, पुरंजन की कथा सुनाए, धीरज बधाए। फिर आगे प्राचीन वहिर के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, उनको रुद्र गीता का उपदेश नारद के माध्यम से हुआ और वो भजन पथ पर आगे बढ़े। फिर आगे यहीं से प्रियव्रत जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। इनके वंश में नाभ इत्यादि राजा हुए, इसी में ऋषभ देव, और इनके यहाँ 99 जो पुत्र हुए हैं उनमें से एक हुए हैं भरत, जिनको ही हमारे यहाँ जड़ भरत के नाम से जाना गया। कुछ कार्य इनके ऐसे थे कि जो लोगों ने इनको जड़ कह दिया, जड़ भरत। और जड़ भरत के इनके नाम पे ही हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। हमारे ये देश
के लिए हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत देश में गए जहां हमारे संतों के नाम पे देश का नाम पड़ा, और इसीलिए जयकार लगाई जाती है तो कहा जाता है भारत भारत माता की जय। कभी सुना है लंदन माता की जय, हांगकांग माता की जय? नहीं ना, ये भारत ही है जहां संबंधों की मर्यादा पता है। संबंध क्या है, मर्यादा क्या है? और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। पहले घरों में ताले नहीं लगते थे, अब बड़े बड़े ताले ताले पे ताले लगते हैं, तो भी दुनिया भर के ये चोरी इत्यादि होती ही रहती हैं। और पहले इस देश के लिए गाया जाता था, जहां डाल डाल पर, आज तारीख क्या है 23, अभी अभी ही बीता है 26 जनवरी। 26 जनवरी और 15 अगस्त जब आता है, आहा, जो भक्ति देश के प्रति उमड़ती है, फिर उसके बाद में ठंडी पड़ जाती है सर। ये भक्ति हर पल रहनी चाहिए, हर क्षण रहनी चाहिए।